हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी यू चयन पोर्टल पर फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। स्पेशली आज का जो ये वीडियो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद के फॉर्म फिलिंग के बारे में है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद के अलावा जो भी फॉर्म आते हैं सी यू चयन पोर्टल पर, चाहे वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, आप सभी फॉर्म को इस पोर्टल के थ्रू ही भरते हैं। तो अगर आप किसी और अदर यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा आज का दोस्तों, लेकिन पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपको यहां पर प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एंड तक मैं देने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो की रिगार्डिंग बहुत सारी डिमांड आ रही है कि यूट्यूब पर किसी ने भी इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये है सी यू चयन पोर्टल और इस पर हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, करीब 7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। मात्र 11 मिनट का ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सी यू चयन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अब उसके बाद आपको क्या करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सबसे पहला काम इसमें जो है वो है आपको अपने लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। अब प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आइए, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। राइट हैंड कॉर्नर पर आपको यहाँ पर शो रहा होगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर हाइड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोफाइल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल क्रिएट की है असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से और इसका जो कंप्लीशन स्टेटस है वो 25% है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें फिल नहीं की है। तो हम चलते हैं व्यू प्रोफाइल्स पर। व्यू प्रोफाइल्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल्स पर जाना होगा। अगर आप सेकेंड टाइम ये काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम जा रहे हैं एडिट में, क्योंकि हमने पहले से प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है। तो हम एडिट प्रोफाइल पर जाते हैं। एडिट प्रोफाइल पर जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पर हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जनरल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन। ऊपर आप देख सकते हैं टोटल 8 टैब्स आपको शो हो रहे होंगे, जनरल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, अपलोड्स एंड प्रीव्यू। ये सभी हमको फिल करने हैं, इसके बाद ही हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपका कंट्री और आपका फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ आपको फिल करनी है। कैटेगरी, नेम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें जो मेन मेन डिटेल हैं वो फिल करनी है। बाकी जब आप यहाँ पर नीचे विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर करना है सेव। सेव करने के बाद फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट टैब में। यहाँ पर हम आ जाते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में फिर हम यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर देंगे। डिटेल हमने देखिए पूरी फिल करी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर हमने जनरल ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिल करी है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए हमने सारी डिटेल फिल की हुई है, BA, MA, और यहाँ पर आप देख सकते हैं UGC नेट की भी डिटेल हमने फिल करी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके पास है, अगर सिर्फ नेट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप दूसरी बार अगर एडिट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी क्लिकेबल नहीं मिलेगा। आपको अगर एडिट करना है तो यहाँ पर आपको एडिट एकेडमिक डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आपके लिए यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया है मास्टर्स डिग्री है, यस, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया MA, सब्जेक्ट का नाम डाल दिया, MPhil है या नहीं है तो यहाँ पे हमने नो कर दिया, PhD भी नहीं है तो नो कर दिया। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, ठीक है, और उस डिटेल को फिल कर दीजिए। MPhil अगर आपके पास है तो MPhil को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। नेट में आपके पास क्या क्या है, नेट विद GRF है या नेट है या कुछ भी नहीं है, या फिर PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी है या नॉट एप्लीकेबल, जो भी है आप सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर नेट के बिना तो आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते हैं, नेट हो या तो PhD हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेट सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर फिर सेलेक्ट कर सकते हैं आर यू अप्लाइंग एज पर दी एलिजिबिलिटी रूल्स इंडिकेटिंग अंडर क्राइटेरिया बी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन UGC रेगुलेशन 2018। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो वैकेंसी आई है वो रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू अप्लाइंग एज पर द एलिजिबिलिटी रूल अंडर क्राइटेरिया बी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर के लिए तो हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नो ही रखेंगे इसको, और यहाँ पर हम जो है इसके लिए भी नो ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आर यू अप्लाइंग अंडर एलिजिबिलिटी बी एज पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिक, तो म्यूजिक के लिए तो हम एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। जो लोग म्यूजिक के लिए करेंगे वो यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव।
ठीक, सेव करने के बाद हम आ जाएंगे इस पे। अब आपको और ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये तो हो गया पहला एकेडमिक। अब किसी के पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, अदर एजुकेशनल डिटेल्स पर आ जाइए, तो यहाँ पर आप ऐड एजुकेशनल डिटेल पर क्लिक करके और भी एजुकेशनल डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। फिर तीसरा टैब इसी के अंडर में आपको मिलेगा डिटेल्स ऑफ ट्रेडिशनल मास्टर्स आर्टिस्ट अंडर होम द एप्लीकेंट हैज स्टडीज और रिसीव ट्रेनिंग। अगर ऐसा कुछ आपके पास है तो यहाँ पर आप जो है ऐड कर सकते हैं। दिस सेक्शन फॉर कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर म्यूजिक स्पेशलाइजेशन, स्पेशली ये म्यूजिक वालों के लिए है, उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, ये भी यहाँ पर म्यूजिक वालों के लिए, तो इसके लिए आपका कोई जो है मतलब नहीं, अगर किसी आप अदर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब आप आ जाइए थर्ड टैब में जो आपको दिया हुआ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में भी तीन टैब मिलते हैं लेफ्ट साइड में, फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और फुल टाइम एडमिन एक्सपीरियंस। तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड टीचिंग एक्सपीरियंस पे क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएगी। इसमें आप सब कुछ फिल करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे, आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर आप उसमें और ऐड करना चाहते हैं, फिर ऐड पर क्लिक करिए और ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड टीचिंग एक्सपीरियंस करेंगे, जितने आप चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। फिर रिसर्च इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कोई है तो उसको ऐड कर लीजिए, फुल टाइम एडमिन एक्सपीरियंस है तो ऐड कर लीजिए। ठीक है, नहीं है तो सीधे नेक्स्ट सेक्शन पे चले आइए। फोर्थ आ गया आपका रिसर्च। अब रिसर्च के अंदर देखिए टोटल 10 यहाँ पर टैब्स दिए हुए हैं। पहला जो टैब है वो है रिसर्च पेपर ऐड करने का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिसर्च पेपर मैंने अपना ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड में आपका पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशन पे क्लिक किया तो ऐड पब्लिकेशन, अगर आपको कोई पब्लिकेशन हुआ है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ आईसीटी रिलेटेड कुछ है, क्रिएशन ऑफ आईसीटी मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागॉजी कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इनोवेटिव कोर्सेज एंड करिकुलम कुछ है, आपने किया है ऐसा कुछ तो ऐड लर्निंग पर क्लिक करके उसको ऐड कर दीजिए। रिसर्च गाइडेंस अगर आपने प्रोवाइड किया है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट पर अगर आपने कोई काम किया है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है कुछ तो वो ऐड कर दीजिए। पेटेंट्स एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कोई आपका है तो वो ऐड कर सकते हैं। अवार्ड्स और फेलोशिप का भी टैब अलग से दिया गया, बहुत सारे लोगों के पास अवार्ड्स और फेलोशिप होते हैं तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एंट्रीज फॉर अवार्ड्स मेड इन दिस सेक्शन शुड बी फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट ऑनवर्ड्स ओनली, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी आपके रहे हैं अवार्ड्स उसी को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जूनियर सीनियर रिसर्च फेलोशिप एंड नॉन नेट फेलोशिप शुड नॉट बी इंक्लूडेड, तो यहाँ पर आपकी नेट वाली जो फेलोशिप है, नॉन नेट फेलोशिप है, उसको यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद है इनवाइटेड लेक्चर्स, अगर आपने कहीं इनवाइटेड लेक्चर्स दिए हैं किसी जगह पर बहुत अच्छी रेप्यूटेड जगह पर, जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे इनवाइटेड लेक्चर, रिसोर्स पर्सन, पेपर प्रेजेंटेशन, जिसको कॉन्फ्रेंसेज में जो लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड इनोवेशन, यहाँ पर इनोवेशन लाइब्रेरी सर्विस रिलेटेड कुछ है तो ऐड कर दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी विद लाइब्रेरी है तो उसको ऐड कर लीजिए, बाकी अगर नहीं है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाइए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है फिफ्थ सेक्शन, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसते हैं और फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जैसे ही आपके सामने टैब ओपन हो एडिट डिटेल्स पर क्लिक कर लीजिए। एडिट डिटेल्स पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मांगा गया है कि विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल टीचिंग इन, किस लैंग्वेज में आप पढ़ाना जो है प्रेफर करते हैं, हिंदी या इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश बोथ, तो मोस्टली लोग यहाँ पर बोथ सेलेक्ट करते हैं जो लोग यूपी से हैं स्पेशली। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे विच मोड यू प्रेफर फॉर असेसमेंट ऑफ टीचिंग, तो असेसमेंट कैसे करेंगे आप टीचिंग का, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, स्टूडेंट फीडबैक, पीयर रिव्यू, जिस तरह का असेसमेंट आप करना चाहते हैं यहाँ पर आप सभी को टिक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ वुड यू क्रिएट एन इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आप यूनिवर्सिटी में एक इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा आंसर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा इंग्लिश में, मैक्सिमम 100 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। ये सबके लिए फिल करना मैंडेटरी है, अगर आप इसको नहीं फिल करते हैं तो आपका फॉर्म फिर आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक, दूसरा फिर क्वेश्चन है आउटलाइन योर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिसर्च, अब इसमें पूछ रहा है कि आपकी जो सबसे बेस्ट जो आपकी रिसर्च की जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको आप 100 वर्ड्स में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आउटलाइन योर प्रपोज रोड मैप फॉर टीचिंग एंड रिसर्च फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अब आपका अगला 5 साल का क्या रिसर्च और टीचिंग का क्या आपका जो रोड मैप है वो आपको यहाँ पे शो करना है कि आप क्या करेंगे अगले 5 साल में। मेंबरशिप फेलोशिप ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल सोसाइटीज़, अगर आपके पास कुछ है तो आप वो उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर
आप इनमें से कुछ भी नहीं ऐड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें डिटेल नहीं फिल करना चाहते हैं, ठीक है, या जिसके पास कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आप टाइप कर दीजिए NA, जिसको कहते हैं शॉर्ट में नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, NA इसको कहते हैं शॉर्ट में। प्रेजेंट योर विजन फॉर द डिपार्टमेंट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, वहाँ के लिए आपका क्या विजन रहेगा अगले 5 साल के लिए, तो आप उसको यहाँ पर डिफाइन करिए। यहाँ पर देखिए कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं दी हुई है, आप इसमें जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसको यहाँ पर ज़रूर से फिल करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप सीधे उसमें NA लिख दीजिए, बस बाकी आपका काम खत्म। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ सेलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर टू ज्वाइन। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको कितना टाइम चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, मंथ्स और डेज में आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर यहाँ पर आप डेज में ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे पहले मंथ में 0 लिख दीजिए और डेज में यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए 15 दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, 15 डेज लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा टाइम चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 मंथ 15 डेज इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपकी मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन पनिश्ड फॉर जेंडर, कास्ट और ये सब, अगर आप कभी आपको पनिशमेंट मिली है तो यहाँ पर यस नो कर दीजिए, मोस्टली लोगों का नो ही रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग, ये यस नो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, वो है टू रेफरेंसेस फेमिलियर विद योर एकेडमिक वर्क। अब जहाँ पर आप वर्किंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, अगर आप कहीं पर वर्किंग है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपके जानने में जो लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका आप यहाँ पर रेफरेंस दीजिए, ठीक है, उनका डिटेल, आपका नाम, उनका इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर उनका देना पड़ेगा। दो लोगों के रेफरेंस आपको देने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ऐसे लोग जिनका कोई भी जॉब जो है बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि लोग कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जो है किसी टीचर का यहाँ पर दे सकते हैं, आपके कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आपके डिपार्टमेंट में जो हो, आप उनका यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज नोन में आप यहाँ पर जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पर टाइप करिए, और उसको आप क्या करते हैं, आप स्पीक करना यानी कि बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, तो आप यहां पर उसको लिख करके सेव कर दीजिए। जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं पहले हिंदी, जैसे मैंने यहां पे हिंदी लिख दिया, हम यहां पे स्पीक भी करते हैं हिंदी, रीड भी करते हैं और राइट भी कर लेते हैं, ये करने के बाद हमने सेव कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप एक और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए इंग्लिश, तो उसको भी टाइप करके ऐड कर दीजिए। अब यहां पर ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना होगा सेव पर, ठीक। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आएगा देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज़ फिक्स द फॉलोइंग एरर्स, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी। अगर आप इसको नहीं फिल करेंगे तो आपके लिए फॉर्म में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मैंने अभी इसको फिल नहीं किया है, इसलिए हमसे ये मांग रहा है कि प्लीज़ इसको फिल करिए, ठीक है। तो जब आप इसको फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है प्रॉपरली भर पाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ पूछी गई है सबको आप फिल करनी है। नेक्स्ट सेक्शन है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है NOC डिटेल्स। तो NOC कौन लोग देते हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको यहाँ पर NOC देनी होगी। ऐड डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, और देखिए जब आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो उसमें लिखा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ NOC इज नॉट अवेलेबल एडवांस कॉपी और यू आर नॉट वर्किंग प्रेजेंटली। तो जो लोग वर्किंग नहीं है उनको सिर्फ क्या करना है, इस चेकबॉक्स पर टिक कर देना है और इसको सेव कर देना है, ठीक। ये हो गया आपका काम यहाँ पर सेव, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आ जाएंगे अपलोड्स में। अपलोड्स में आपको सारी डिटेल्स, यानी कि जो भी आपने डिटेल्स दी हैं अपनी एकेडमिक से रिलेटेड, जो भी आपने डिटेल्स बताई हैं उन सब की आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है आपका, मास्टर सर्टिफिकेट, नेट सर्टिफिकेट, और भी जो यहाँ पर अदर एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आप फिल करेंगे उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, कोई भी PhD रिसर्च एक्सपीरियंस, अवार्ड, सबकी फोटो आपको यहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। और देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में आप ये देखिए लिख कर आ रहा है कि यू शैल प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और फॉर दोज हु आर नॉट प्रेजेंटली वर्किंग और डू नॉट हैव द NOC। तो यहाँ पर अब आपसे NOC नहीं मांगेगा आगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसी तरह से देखिए हमने रिसर्च पेपर के बारे में डिटेल डाल दी है, तो इसकी भी सेलेक्ट फाइल मांग रहा है, यानी कि रिसर्च पेपर का जो फ्रंट पेज जो होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपका ISBN नंबर, ISSN नंबर जो होता है वो वाला पेज, उसको आप यहाँ पर अपलोड करिएगा,
ठीक रिसर्च पब्लिकेशंस में, और लिखा भी हुआ है कि कौन सा जो है डॉक्यूमेंट कितने केबी में मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम का साइज ये मत समझिए कि 500 KB लिखा है तो आप 500 KB का बना दीजिए, 500 KB से कम, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि 500 KB से कम, ठीक है। तो तभी आप एप्लीकेशन जो है उसमें कर पाएंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएगा। तो सारी चीज़ आप अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू में आप देख लेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद फिर आपको करना होगा नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ के किस यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो प्रेजेंटली देखिए यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं उनका देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए हैं, फिलहाल हम चलते हैं अब यूनिवर्सिटीज़ पर, ठीक है। प्रोफाइल जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इस तरह से प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अब आपको आना है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर आप आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद हमें देखिए करना है रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम यहाँ पे पहले व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे इसके सामने, इसके बाद नीचे आएंगे, अपना सब्जेक्ट फाइंड करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है। पेज नंबर 2, 3, 4, 5 काफ़ी सारे पेजेस दिए हुए हैं, अपना सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन करिएगा, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट देखिए है एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन परमानेंट पोस्ट, ठीक है। तो इसके सामने देखिए अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आएंगी, टाइप क्या है परमानेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है नेट हो या फिर PhD हो, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगा गया है 0 से 5 ईयर्स यानी कि फ्रेशर्स, और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर सेलेक्ट प्रोफाइल फॉर दिस एप्लीकेशन, अब आपने इस प्रोफाइल के हिसाब से जो भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, यानी कि इस एप्लीकेशन के हिसाब से जो प्रोफाइल आपने क्रिएट की है उस प्रोफाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये प्रोफाइल बनवाई क्यों जा रही है। जैसे मान लीजिए हमें, अब बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये वाली जो प्रोफाइल हमारी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से आप एक दूसरी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप जो है प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग होगा, उसमें सिर्फ आपकी PhD की डिटेल आएंगी, उसमें नेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे PhD ही मांगा जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल हमने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, इसको सेलेक्ट किया और प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद वही आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी सारी, ठीक है। आपके सामने अब 8 की जगह पर टोटल देखिए 10 टैब्स ऊपर शो हो रहे हैं, ठीक है। पहले में जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो भी होती है वो सब यहाँ पे फिल है। एजुकेशन पर आ जाएंगे, एजुकेशन में वही डिटेल्स हैं जो भी हमने फिल की हुई हैं, ठीक है। एजुकेशन पर आने के बाद मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ से सब कुछ फिल मिल जाएगा, क्योंकि आपने जब आपने प्रोफाइल क्रिएट की है तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें, मैक्सिमम जो जनरल चीज़ें वो सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहीं से तुरंत ऐड भी कर सकते हैं, आपको प्रोफाइल पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। रिसर्च पर आ जाइए, रिसर्च पे जो भी चीज़ें वो ऐड कर दीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिल करना, इसको फिल ज़रूर करिएगा। एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल कर दीजिए, ठीक है। नहीं है तो NA लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन रेफरेंसेज ज़रूर दीजिएगा, बिना रेफरेंस के फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन पर आ जाइए, ठीक है। NOC के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर चेकबॉक्स पे टिक कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको करना होगा, ये देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे चेक दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है प्रोफाइल में आपने नहीं किया था तो आप यहाँ से भी आकर के चेक कर सकते हैं इसको। अपलोड्स में आ जाएंगे, ठीक है। अपलोड्स में सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पर KB के अकॉर्डिंग देख करके सबको अपलोड कर लीजिए। लास्ट में आ जाएंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप देखेंगे यहाँ पर आपका देखिए पूरा एकेडमिक जो है, जिसको हम बोलते हैं API, ठीक है। एकेडमिक स्कोर आप देख सकते हैं, क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे शो कर रहा है मैक्सिमम मार्क्स 80 और मार्क्स क्लेम जो हो रहे हैं मेरे वो 41 हो रहे हैं अभी, ठीक है। रिसर्च पब्लिकेशन हमारे कितने हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही पब्लिकेशन है तो 2 मार्क्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स हैं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए यहाँ पर अभी 0-0 है। तो टोटल मार्क्स हमारे हो रहे हैं 43, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे पूरी पर्सनल डिटेल्स और जो भी हमने फॉर्म में फिल किया था वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना होगा आई एग्री टू दी अबव टर्म्स एंड नेक्स्ट सेक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे पूछेगा कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हु वांट टू बी कंसीडर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी प्लीज स्पेसिफाई। तो यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और आप एज अ जनरल कैंडिडेट जो है खुद को स्पेसिफाई कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप अपनी ही कैटेगरी में एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो नो कर दीजिए, वो आपको देखना पड़ेगा कि वैकेंसीज किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम
इसको हमने सेव कर दिया। ठीक, इसके बाद हम करते हैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। लास्ट में देखिए आ गया है सबमिशन। अब देखिए यहाँ पर 10 प्रॉब्लम्स हमें शो हो रही हैं। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट होंगी तब तक यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल होगा। आपको भी इसमें से कोई ना कोई एरर आ सकता है अगर आप फॉर्म में चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें फिल नहीं की हैं, लेकिन जब आप सारी चीज़ों को फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एरर शो नहीं होगा। सबसे पहले देखिए नेट सर्टिफिकेट हमने अपलोड नहीं किया, अभी हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया, मास्टर्स डिग्री नहीं अपलोड की, बैचलर्स डिग्री और नेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है, रिसर्च पब्लिकेशन का भी कोई अपलोड नहीं किया है, फोटो नॉट अपलोडेड, ठीक है, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड और आपका सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, कास्ट सर्टिफिकेट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन नॉट फिल्ड। तो देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप नहीं फिल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस ये सारी चीज़ें लगातार लाइन से करते जाइए, आप एप्लीकेशन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर लीजिए, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत लंबा वीडियो था दोस्तों, और वीडियो इसलिए लंबा हो गया है क्योंकि पूरा डिटेल मुझे समझाना था। ठीक है, आप इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें। अब एक एक चीज़ में अपलोड करके अगर दिखाने बैठूंगा तो वीडियो कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं मैं। तो फिलहाल आप लोग एक एक करके इसको फॉर्म को भरिए, एक एक डिटेल को आराम से फिल करिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद और अदर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, फॉर्म को ध्यान से भरें, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें, क्या चीज़ पूछी जा रही है क्या नहीं पूछी जा रही है। इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है तो सीधे उसको वहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में डाल लीजिए और वहाँ से उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके तब समझ के उसको भरिए कि क्या पूछा जा रहा है। गलती मत करिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं बाद में। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों अप्लाई करिएगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।